तो फ्रेंड दाल फ्राई हो चुकी थी, अंडा ऑमलेट बन चुका था, तो हमने इसको एक ही में मिक्स कर दिया। इसको कहते हैं अंडा तोड़फोड़। एक तीर से दो निशाना, अंडा भी फ्राई और दाल भी फ्राई, और बन गया अंडा तोड़फोड़। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सेफिशिएंट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हो गई है सुबह, और जिसको समझा अपना वही निकला पराया। तो ये जो कुक्कू के जो हमने पार्टनर आए थे चार, वो सारे धोखेबाज निकल गए, और कुक्कू का आज बुरा हाल कर दिया, इसको टकला बना दिया मारते मारते। करीब से दिखाओ कैमरा मैन, टकला सागर हमारे करीब से दिखाएंगे। इसके सर में काफी चोट, काफी घाव आ गए हैं, तो यानी लगाएंगे अबूफास और खिलाएंगे अनन्नास, तब जाके कहीं सेट होगा, क्योंकि इसको काफी गंभीर तरीके से उन सबने मार दिया मिलके चार। और ये अकलौता चार पे भारी नहीं था, क्योंकि ये मादी है, अगर नर होता तो चारों की धज्जी बिगाड़ देता। तो घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी हमने कुक्कू के अबूफास लगा दिया, अब थोड़ी देर इसको बैठा लेंगे, रेस्ट कर ले, क्योंकि अबूफास बहुत ठंडा होता है, इसको सर्दी लगने लगेगी, इसको रखेंगे अभी अपने पास। तो अबूफास लग गया, और अब है अनानास का नंबर। कुक्कू तो खाएगा नहीं, तो हम ही खाना शुरू करते हैं, काटते हैं अनानास और सुबह की शुरुआत करते हैं। और ये सोच रहा होगा क्या लगा दिया सैफी भाई ने, बेहतरी के लिए लगाया, इसको मालूम नहीं है जानवर है, इसको क्या पता। खाने के बाद हमने सोचा खाना खाएं, और जब खाना खाने का नंबर आया तो देखा तो गैस खत्म हो गई। तो ये अपना अर्जेंटली जुगाड़, जो कि इसको सर्दी में से तापा जाता है, और आज इसका नंबर आया दाल फ्राई करने का। तो इसमें हम कर रहे हैं दाल फ्राई, और बनाएंगे दो अंडे का ऑमलेट इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं आपसे रूम में। तो फ्रेंड्स, भाई हमारा कह रहा है इतने में क्या होगा, तो हमने कहा सिर्फ आग दिखाना है, दाल फ्राई हो जाएगी, क्योंकि मौसम इतना हार्ड रहता है, यहाँ का टेम्परेचर इतना हार्ड रहता है, कि सिर्फ आप आग की फोटो इसके नीचे रख देंगे तो भी ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना हार्ड होता है। और दाल तो दाल, दो अंडे का फ्राई कर लेंगे, देखते रहिए आप खाली भाई का भोपाल। तो फाइनली गाइस, दाल तो हो गई फ्राई, अल्हम्दुलिल्लाह दाल फ्राई हो गई दोस्तों। तो फ्रेंड दाल फ्राई हो गई, अब बनाते हैं अंडे का ऑमलेट। नंबर आ गया है अंडे का, और हम बनाएंगे अंडे का ऑमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अंडा का है, तो ये देसी अंडा अपनी मुर्गी का पेवर। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, अगर गैस कभी खत्म हो जाए तो ये देसी जुगाड़ जो हमारा है, जैसे हमने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला रास्ता निकाल देता है। ऑमलेट हो गया रेडी, अब इसमें मिला देंगे दाल और खाएंगे खाना। हाँ। तो फ्रेंड दाल फ्राई हो चुकी थी, अंडा ऑमलेट बन चुका था, तो हमने इसको एक ही में मिक्स कर दिया। इसको कहते हैं अंडा तोड़फोड़। एक तीर से दो निशाना, अंडा भी फ्राई और दाल भी फ्राई, और बन गया अंडा तोड़फोड़। तो फ्रेंड्स अपना काम तो अंडा फ्राई और दाल फ्राई हो गया था, और अभी आए मोनू भाई काम करके, तो मोनू भाई के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना लकड़ी मैसर था, हमने दाल फ्राई अंडा फ्राई कर लिया, और अब मोनू भाई के लिए लाजिम सिलेंडर लाना पड़ेगा। तो ये दिख रहा होगा आपको गैस स्टेशन, और हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे रेडी है गैस, सिर्फ उठाने और चल देने। फाइनली गाइस, हम लोग सिलेंडर लेके निकल चुके हैं। तो जैसे कि अपने यहाँ सिलेंडर की पर्ची भरनी पड़ती है, लाइन लगाना पड़ता है, और उसको पहले बुक करना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ सिर्फ आपके जेब में 750 फिल्स होंगे, आपको सिलेंडर तुरंत मिल जाएगा। आप आइए गैस एजेंसी और उठाइए सिलेंडर, जाइए वापस अपने घर। तो मिलते हैं आपसे घर में। तो फ्रेंड्स खाना पीना खा के हमने किया आराम, और अब बच चुके हैं शाम के चार, परिंदों को देंगे दाना। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान जुदाई में परेशान होता है, परिंदा भी परेशान होता है, जिसके अंदर एहसास होता है। तो ये परिंदा यानी फाख्ता हमारा, जो कि इसका शौहर 3-4 दिन पहले ख़त्म हो गया, ये काफ़ी परेशान है, उसके गम में बीमार हो गई है, कुछ खाना पीना नहीं खा रही। हमने इसको कबूतरों के बीच से उठा के अपने यहाँ रख दिया मुस्तौदे में, ताकि इसको परेशान। तो मुर्गियों को दाना देने का मतलब ये है कि पहले बच्चों को देंगे, और इन बच्चों ने मिलके इतना शरारत की है, सारे चारों ने मिलके, कि कुक्कू को इतना मारा है, कुक्कू बेचारा अलग रहने लगा है। देखिए इसकी चोट सर में लगी थी, अब फास डाला है, तब जाके कुछ बेहतर हुआ है। तो अभी कुक्कू अलग रहेगा और ये चारों अलग रहेंगे, क्योंकि ये चारों काफ़ी शरारती हैं, इन्होंने प्लान बना के कुक्कू को इतना मारा कि कुक्कू की हालत ख़राब कर दी, सर में काफ़ी चोट आई है। तो फ्रेंड्स मुर्गा हमारा शर्मा रहा था, उसको नहीं पसंद कि हम उसका वीडियो बनाए, उसने हक दिया। तो फ्रेंड्स दाना डाल दिया, अब जा रहे हैं लेने पानी, और ये है इनके पानी की बाल्टी, और गर्म काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अपने छतों में, अपने घरों के बाहर इस तरीके के मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, ताकि आवारा परिंदे वो पानी पी सकें, और तो उसका अजर आपको मिलेगा, आपके माँ बाप को मिलेगा। ये टांगे इसमें और भरेंगे पानी, पानी ठंडा, और अब ले चलते हैं इसको अंदर। तो ये हमारी छोटू सी बाल्टी जो कि भर चुकी है, और ये हमारे परिंदों की है, स्पेशल हमने उन्हीं के लिए रखा है इसको। अब डालते हैं हम उनके लिए पानी। तो दाना डालने के बाद अब हम डालेंगे पानी। तो ये है अपना छोटा सा सेटअप।
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो नए लोग हैं वो भी अपना, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि सही हो जाए। दाना पानी हमने दे दिया है, देखो क्या बनता है इसका रिजल्ट, और चेक करते हैं मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया। और माशाल्लाह मुर्गी ने अंडा दे दिया है। तो ये है अपना, इसको क्या कहते हैं, ये है अपना इंसेंटिव कहेंगे या इसको कहेंगे हम अपना बेनिफिट, जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी ने अंडा दे दिया है, तो इसको ले चलेंगे अंत। तो कबूतरों को मिल गया जौ और बाजरा, और मुर्गियों को मिल गया है चावल दाल, और बच्चों को मिल गया चावल। तो फाइनली सबका खाना सबको मिल चुका है, सब बारी बारी से खा रहे हैं, और अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों हम आ चुके रूम में, और अंडे हमारे काफ़ी मीडियम साइज़ के, मीडियम के छोटे साइज़ के, क्योंकि पहली झोल है मुर्गी की, फर्स्ट टाइम अंडा दे रही है। और अब हम इनको रखने के बाद करते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स गर्मियों में स्पेशल होता है सेतु। सबसे पहले लेंगे ये कटोरा, तो गुड़ डाल के गुड़ को दिया फोड़ ताकि आसानी से घुल जाए। कुछ लोग शक्कर से बनाते हैं, और हम बनाते हैं गुड़ से, क्योंकि हम। तो फ्रेंड्स अपना गुड़ मेल्ट हो चुका है पानी में, अब इसमें ऐड करेंगे सत्तू। तो फ्रेंड्स ये है मार्केट का सत्तू। तो फाइनली गाइस सत्तू अपना हो गया रेडी। ये है नटराज का सत्तू, और ये है चिल्ड वाटर। तो सत्तू रेडी होने के बाद इसमें ऐड करेंगे चिल्ड वाटर, फिर उसके बाद तीन सांस में बिस्मिल्लाह करके घसीट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया बिस्मिल्लाह। गाइस सत्तू अपना हो गया रेडी, गर्मी की आन बान शान, पीते ही पेट में डाल देगा एकदम आइस ठंड, क्योंकि ठंडा होता है गर्मी में, इसको पीना चाहिए। तो फाइनली गए सत्वा पीने के बाद हमने शुरू कर दिया अपने शाम के खाने का प्लान। तो आज हमारा वेजिटेबल्स डे, सब्जी बनाने का दिन। तो ये है रेड चौलाई, और ये है पोई का साग। तो इसको काट के दाल के साथ बनाएंगे साग, और इसको बनाएंगे सूखा, या बनाएंगे आलू के साथ, जो भी आपको प्लान रहेगा। और ये हमारे ठुस्सी भाई जो कि बड़ी अम्मा का काम कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। ये चौलाई कट चुकी, इसके नीचे का जो स्क्रब था कहाँ जाएगा, तो वेस्ट कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारी मुर्गियों को। इसको पीसेस छोटे छोटे करके दे देंगे मुर्गियों को। तो फाइनली गाइस मामला सारा हो गया सेट, और व्लॉग को यहीं से करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।